झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अवैध खनन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में साहिबगंज समेत अन्य जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 36 करोड़ रुपए जब्त किए थे। बताया जाता है कि सारे रुपए पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खाते में जमा थे। इसके पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत पंकज मिश्रा, दाहू यादव समेत अन्य के 37 बैंक खातों की जांच की थी। इन खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त हुए थे। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, बरहड़वा, मिर्जा चौकी, राजमहल में 19 स्थानों पर तलाशी भी ली थी। इसमें 5 करोड़ 34 लाख रुपए जब्त हुए थे। ईडी ने अपनी कार्रवाई में कुल 36 करोड़ रुपए सीज किए थे। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंगलवार को उनसे लंबी पूछताछ की। ईडी ने साहिबगंज के बड़हरवा के बहुचर्चित टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पंकज मिश्रा से पूछताछ की थी। पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, अवैध परिवहन जैसे मामलों में करोड़ों रुपए की काली कमाई करने के आरोप हैं। सोमवार को भी ईडी ने पंकज मिश्रा के दो प्रमुख सहयोगियों दाहू यादव और बच्चू यादव से लंबी पूछताछ की थी। दोनों ही संदिग्ध आरोपियों से ईडी ने पंकज मिश्रा से जुड़े सवाल पूछे थे। ईडी ये पता लगा रही है कि पंकज मिश्रा के जरिए रुपए कहां कहां जा रहे थे। बड़ी बात यह है कि ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी को एंड ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर अवैध कमाई के आरोप लगाए थे। इन सब के बीच ईडी ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।